ये हस्तशिल्प व्यापार मेला हम लोग लगा रहे हैं जो 10 दिनों का मेला है, 26 से लेकर के पिछले 6 जनवरी तक मोराबादी ग्राउंड में चलेगा, सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। इस मेले का उद्देश्य हमारा ये है कि जितने भी हमारे तमाम छोटे जो उत्पाद कर्मी हैं, जो छोटे छोटे वर्ग के आते हैं, अलग अलग क्षेत्र के आते हैं, अलग अलग राज्य के आते हैं, उन सबों को एक प्लेटफॉर्म दे सके ताकि अपने उत्पाद को वो बेच सके, आम नागरिकों के बीच वो ला सके। इसमें हम इस बार 22 राज्यों से 250 स्टॉल लेकर के आ रहे हैं हमारे मेले में, साथ में बहुत सारे झूले भी हैं मनोरंजन के लिए, बच्चों के लिए भी हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखे हैं। एंड साथ में हम लोग हर दिन कल्चरल इवनिंग रख रहे हैं अपने स्टेज पे, ताकि उसके माध्यम से लोगों को एंटरटेनमेंट हो सके। और इसके साथ ही फूड स्टॉल भी हैं हमारे, और जितने भी बच्चे हैं, खासकर जो स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबों को हमारे मेले में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी एंट्री टिकट नहीं लग रहा है, वो फ्री है। हमारे जो झारखंड का जो युवा वर्ग है, जो आजकल हमारे देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, इसके निराकरण के लिए हमारे युवा वर्ग में उनके अंदर एक स्वरोजगार की भावना को जागृत करने के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे गरीब शिल्पकार बंधुओं के द्वारा हस्तनिर्मित सामग्रियों के विपणन के लिए तथा हमारे झारखंड राज्य या संपूर्ण देश में जो हमारी भारतीय संस्कृति की लुप्त हो चुकी जो कला है, जो शिल्प कला है, उसके उद्धार के लिए इस हस्तशिल्प व्यापार मेले का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। और इस मेले के माध्यम से समस्त युवा वर्ग में, महिलाओं में, पुरुषों में एक स्वदेशी की अवधारणा के निर्धारण के लिए इस हस्तशिल्प व्यापार मेले का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इस मेले के माध्यम से हम लोग गरीब शिल्पकार बंधुओं को उनके द्वारा हस्तनिर्मित सामग्रियों के विपणन का एक उचित प्लेटफॉर्म दिलवाते हैं। साथ ही साथ हमारे भारतवर्ष में जो निर्मित हमारी हस्तनिर्मित सामग्रियां हैं उनको विपणन हो, और हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय की हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की माताएं और बहनें हैं, साथ ही साथ हमारे जो गरीब शिल्पकार बंधु हैं उनका समाज में चौकी विकास हो सके, उनका आर्थिक विकास हो सके, और वो बिचौलियों के माध्यम डांस से स्टार्ट होगा। डांस है, सिंगिंग है, मॉडलिंग है, और इस बार कुछ डिफरेंट तरह का भी यहाँ पे फैशन शोज कराया जाएगा, जो कि वुमेन्स कॉलेज की तरफ से कराया जा रहा है। डोगरा आर्ट को वहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। डोगरा आर्ट होता क्या है, वो चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा हमारा। और ये जो हस्त शिल्प व्यापार मेला जागृति फाउंडेशन की तरफ से लगाया जा रहा है, इसमें हर साल की तरह कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलता है। इस बार भी कुछ नया देखने को मिलेगा, और इवेंट्स रिलेटेड भी आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा यहाँ पे। जितने भी अभी समाज मैडम रोजगार नहीं दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म जरूर दे रहे हैं। हमारे झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है बस उस प्रतिभा को सराहने की। तो प्रतिभा को सराहने का एक मंच दे रहे हैं ताकि बच्चों में उत्साह बढ़े, और उसके बदले में हम बच्चों को जो गिफ्ट हैम्पर देते हैं झूले के लिए रहते हैं, वो हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। डोगरा आर्ट को हम प्रेजेंट करेंगे। इसके साथ ही समाज में अभी बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं जो लड़कियों पर हैं, उस चीज़ के लिए भी आपको कुछ देखने का अलग अंदाज मिलेगा। अभी क्लियर नहीं बताऊंगा, देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग आ रहे हो तो बहुत खुशी होगी हम लोगों को। स्पेशल एक्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसमें पुलवामा अटैक में जो मारे गए उस पर हम लोग एक स्पेशल एक्ट तैयार किए हैं इसमें, जो कि आपको जागृति फाउंडेशन के द्वारा जो लगाया जा रहा है मेला, उसके मंच में आपको देखने को मिलेगा। मेरा नाम शाहिद रहमान हुआ। थैंक यू सो मच।